बिल्कुल 12 बज गए। तो गाइज हमारा कुछ सामान आ चुका है, एक तो रहा ये, इस चीज़ को मुझे कब से वेट था यार, मतलब सो गाइज ये देख रहे हो आप, मतलब ये और ये, इस चीज़ के लिए आज मैंने बहुत स्ट्रगल किया। क्या मैं अपनी खुशी आपको बता नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो रहा हमारा ये मैकबुक और उसी के साथ रहा हमारा ये गोप्रो, काफ़ी वेट किया तूने इसके लिए। ये गोप्रो देखिए पूरा सील पैक है, अब हम इसकी करते हैं यहाँ से अनबॉक्सिंग की। सबसे महंगी चीज़ की मतलब अभी तक मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग हो रही है, थोड़ा सा बजट से बाहर आ रहा था, देखना चाहता है गोप्रो दिखता कैसा है। ये जो पिक्सल है ये इतना महंगा है ना, आप सोच नहीं सकते। और ये मैंने अपने हाथ में पहली बार पकड़ा है, तो अभी काफ़ी लोगों को ये भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी कि मैं जो अभी तक के ब्लॉग्स किससे बनाता था और एडिट किससे करता था। कि बैटरी काफ़ी डेड है, हमने अभी इसे शूट करना था लेकिन दिया कि यूट्यूब मनी से लग जाइए 5800 हो गए, 200 रहते हैं, 6K हो जाएंगे। और सो गाइज अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ, टाइम क्या हो चुका है, टाइम ये देखिए बिल्कुल 12 बज गए। तो कृष भाई जी भाई अब क्वालिटी कैसी आएगी भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो गाइज हमारा कुछ सामान आ चुका है, एक तो रहा ये, दूसरा रहा हमारा ये। अभी हम आपको बताएंगे इस चीज़ का मुझे कब से वेट था यार, मतलब चलिए अपनी मेहनत से मैंने जो किया सब कुछ किया है। तो कृष भाई क्या कहना चाहोगे भाई, हम खुश हैं भाई, जो हम अब हमें गोप्रो के साथ ब्लॉग देखने का मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा ना, अब हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं आस्ता आस्ता। तो बस इन सब ने क्या करना है, अब इन सब ने अब हमें सपोर्ट करना है, तैयार हो सपोर्ट दिखाना है। ठीक है भाई, गुड नाइट, जाओ सो जाओ, थैंक यू भाई, स्टे वेल, ठीक है। तो अभी हम भी चलते नीचे, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ, देखिए 12 बज गए यार, मतलब चाचू आ रहे थे जब मुझसे, तो उनके थ्रू मैंने मंगवाया और मुझे बड़ी खुशी थी यार। अभी आगे सामान दिखाते हैं। सो गाइज ये देख रहे हो आप, मतलब ये और ये, इस चीज़ के लिए आज मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्या कहते हैं नहीं। तो अभी फाइनली देखिए हमारा सेटअप अपग्रेड हो चुका है। सो गाइज फाइनली मैं अपनी खुशी आपको बता नहीं पा रहा, क्योंकि अभी मेरे को कुछ चीज़ें जो थी वो कब से चाहिए हुई थी, क्योंकि मैं अब सेटअप अपना अपग्रेड करना चाह रहा था और फाइनली वो चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। एक तो रहा हमारा ये मैकबुक और उसी के साथ रहा हमारा ये गोप्रो। तो अर्जुन का क्या कहना चाहोगे, काफ़ी वेट किया तूने इसके लिए, जब तक ये पहुँच नहीं आता तब तक भी जाएगा। हाँ, और अभी टाइम देखिए क्या हो चुका है, 12:03। बाकी ये देख रहे हो, इस लोगों के पीछे बहुत वेट किया मैंने। क्योंकि हमारा गोप्रो देखिए ये पूरा सील पैक है, अभी हम इसकी करते हैं यहाँ से अनबॉक्सिंग की। वाह, अब जो कुछ भी होने वाला है ना, इधर दिखाओ भैया, अब जो कुछ भी होने वाला है ना, नेक्स्ट लेवल। बस ये पाउच है, अब इसको हम प्रॉपर आपको कल दिखाएंगे, फिलहाल मैंने ये बता दिया कि फ्रेश था, अनबॉक्स अभी किया है, तो बाकी हम आपको कल दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम इसको भी थोड़ा चला के देखेंगे, इससे भी कुछ चीज़ें सीखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, बाकी कल मिलते हैं हम आपको। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, कैसे हो आप? तो होप करता हूँ आप सब अच्छे हो गए और ठीक हो गए। तो अभी फिलहाल क्या है कि सेटअप आप देख रहे हो चेंज है, क्योंकि आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग यार, इतनी बड़ी चीज़, सबसे महंगी चीज़ की मतलब अभी तक मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग हो रही है। लिए तो मैंने इससे महंगा iPhone 13 था, लेकिन मैंने उसकी अनबॉक्सिंग आज तक अपने चैनल पर नहीं की, ना मैंने कभी किसी को बताया कि मैंने iPhone 13 लिया है। तो आज अपने चैनल पर जो मैंने कुछ अपग्रेड किया है हम उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने लिया मैकबुक, जो रात को आपने देख लिया, ये मैकबुक मैंने लिया एडिटिंग के लिए। अभी इसको रात को, तो मैं रात को देखिए 12 बजे आया मेरे पास ये, उसके बाद मैं इसको कोई 3-4 बजे तक चलाता रहा, मेरे को समझ ना आए। अब देखिए मैकबुक मैंने पहले चलाया, लैपटॉप जो होते हैं वो काफ़ी ईजी होती हैं और मैकबुक जो काफ़ी मुश्किल होती है यूज़ करने में। तो इसको अभी सीखूंगा मैं, इसमें एडिटिंग सीखेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसको करते हैं हम बंद, आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे। एक्चुअली मैंने डाला था अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल, जिसमें मैंने लिखा था सजेशंस फॉर यूट्यूब चैनल, तो उसमें वहाँ पर मेरे को मोस्टली जो होते कहते हैं ना, मोस्टली मेरे को क्या आए थे कि स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग, डू मोटो ब्लॉगिंग, मतलब इस टाइप मोटो ब्लॉग के रिलेटेड मुझे काफ़ी आए थे। लेकिन अब गोप्रो देख के आप कह रहे हो कि शायद मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट मैं आपको बता दूँ मोटो ब्लॉग्स मैं इतने नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बाइक में आपको पता है डरता है भाई आपके यार, ज़िंदगी भी आ रही है, बाइक में रिस्क होता है ना काफ़ी, तो तभी। लेकिन मोटो ब्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अभी हम काफ़ी कुछ ट्राई करेंगे। इसीलिए मैंने अभी लेटेस्ट गोप्रो जो चल रहा है वो 11 है, लेकिन मैंने मंगवाया 10,
क्योंकि 11 जो था थोड़ा सा बजट से बाहर आ रहा था। मैंने कहा चलो एक मॉडल नीचे ले लेते हैं, तो हमने मंगवाया GoPro 10, जिसकी आपको पता हमने यहाँ से खोला था क्योंकि मैं देखना चाहता था GoPro दिखता कैसा है, अपने हाथ पे फील करना चाहता था। तो आ गया ये हमारा GoPro, जिस चीज़ का आप सबको भी इंतजार था, मुझे तो था ही था। तो अभी रात को हमने इसको यहाँ से खोल दिया था, इसके बाद हम निकालते हैं इसके बाहर, इसको बाहर देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए इतनी महंगी चीज़ है और इसमें हमें कितना, बस ये इतनी सिंपल सी चीज़ आती है और सिंपल सी चीज़ के अंदर आप देखोगे ना इतनी महंगी सी चीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखना सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाती है GoPro की बैजिंग, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको जैसे हमारे टिफिन बॉक्स नहीं आते थे स्कूल में, उसी टाइप का ये हम खोलते थे बस ऐसे। ओके, वहाँ पर हमें 2 बॉक्स मिलते थे हमारे टिफिन बॉक्स में, यहाँ डिफरेंस है हमें 3 मिलते हैं। तो अभी हम सबसे ये आ गई मेन चीज़, इसको हम बाहर में निकालेंगे, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए यार। तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले ये, यह आगे मेरे सबसे चार्जिंग केबल, हाँ ये आगे चार्जिंग केबल, इसको रखते हैं हम साइड पे। तो ये आगे हमारे साथ में कुछ माउंट्स, भाई कैमरा सीधा रखो थोड़ा टेढ़ा फोन, हाँ ऐसे ठीक है। तो ये आगे हमारे कुछ माउंट्स, एक्चुअली फिर आज मेरे कैमरा मैन भी मानसी जी हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे होल आता है यार, मैं भी देख रही थी क्या क्या है। हाँ तो आप कैमरे में देखो, क्योंकि आप इधर देखो तो कैमरा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये आगे हमारे कुछ माउंट्स, अभी मुझे नॉलेज नहीं है तो ये भी हम सीखेंगे सब कुछ, फिर आपको बताएंगे, फिलहाल आप देखते जाओ हमारे साथ। उसके बाद आ गई हमारी ये GoPro की बैटरी, कितनी छोटी सी है, प्यारी सी पिच कुछ सी, ये देखिए ये आ गई इसकी बैटरी, कलर बहुत सही है यार। GoPro की बैजिंग यहाँ पर भी दी गई है, कितना प्यारा लगे देखो। अभी फिलहाल इसको भी हम रखते हैं साइड पर, ये मेरे हिसाब से कोई और माउंट आ गया, ये इसी के साथ कुछ एडजस्ट होता होगा, हाँ इसी के साथ है कुछ, अब मुझे आता नहीं एडजस्ट करना कैसे होता है, छोटे इसको बाद में सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट में, पहले यार हम ये तो बताना भूल गए, ये आगे हमारा यूज़र गाइड जिसको कोई देखता है नहीं है, कभी कभी जब ना समझ आए तो तब देखना पड़ता है, वैसे ही इसको हम रख देते हैं साइड पर। तो अब निकालते हैं हम अपनी मेन चीज़, देख रहे हो भाई ये इतना सा, ये इतना पिद्दू था, ये इतना महंगा है ना आप सोच नहीं सकते, मुझे लगा नहीं था। और ये मैंने अपने हाथ में पहली बार पकड़ा है और वो भी अपना, क्या बात है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग की अलग से आपको बताते हैं, कट करो उसको आप। सो गाइस अभी मैं रुक गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक था कि मानसी वीडियो क्लिप्स अच्छी बना रही है नहीं, लेकिन मानसी ने अच्छी वीडियो क्लिप्स बनाई। तो अब हम करते हैं अपने GoPro को ऐसे पूरा, जो इसकी सील पैक आती है ना ये पूरा खोलते हैं, तो फिर आपको बताते हैं, फिर हम इससे शूट करके भी आपको बताएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी और क्या क्या हमें इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखता है। तो चलिए, तो अभी काफ़ी लोगों को ये भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी कि मैं जो अभी तक के ब्लॉग्स किससे बनाता था और एडिट किससे करता था, पहले मैं थोड़ा बाल सेट कर दूँ, मानसी का इशारा आ गया, ठीक है थैंक यू। तो हाँ ये भी काफ़ी सबको कन्फ्यूजन थी कि मैं ब्लॉग्स किससे बनाता था और किससे एडिट करता था, तो मैं आपको बता दूँ मैं बनाता एडिट करता अपलोड करता रेंडरिंग करता सब मैं अपने फ़ोन से करता था, तो फिर मुझे थोड़ी अपग्रेड की ज़रूरत थी, तो बस अब हमने वही अपग्रेड किया है, एडिटिंग के लिए हमने मैकबुक ले लिया जिसमें हम एडिटिंग सीखेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यार अब आपका भाई इतना खर्चा कर रहा है आप पर कर रहा है, ये आप पर ही हो गया हिसाब से, आप अपने भी नहीं, क्योंकि आपको हमें गुड क्वालिटी कंटेंट दिखाना है। तो एडिटिंग के लिए वो आ गया, ब्लॉग शूट्स के लिए ये भी आ गया, तो हमारे पास आईफोन भी है, कभी ये डर हो जाए तो हम आईफोन को ले लेंगे, बाकी फिलहाल हम इसकी एक और बैटरी मंगाएंगे बैकअप के लिए, सही रहती है यार बैकअप के लिए। तो अब हम इसको करते हैं अनरैप कर दिया, अनबॉक्स तो हो गया। देखिए GoPro पूरा स्टार्ट हो चुका है, कितना छोटा सा, और ये देखिए इसका मोड देखिए अल्ट्रा वाइड है, पता नहीं कौन सा ये अभी हम सीखने को मिलेगा। और ये देखिए इसके में छोटा सा ये फ्रंट कैमरा भी है, कितना प्यारा लग रहा है, हम यहाँ से शूट करें ये भी दिखेगा हमें अब तो, सही है ये देखिए कितना प्यारा सा। अभी हमने इससे SD कार्ड नहीं डाला, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी बैटरी बताई जा रही है 13%, नो SD कार्ड, और ये अभी बाकी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये अभी हम देखते हैं। SD कार्ड हमारा आया हुआ देखिए इसी के साथ मिला था ये, तो बस इसको भी डालते हैं फिर चेक करते हैं।
गाइस अभी फिलहाल हमने GoPro पूरा अपना अनबॉक्स कर लिया, लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, देखना इसकी बैटरी काफ़ी डेड है। हमने अभी इससे शूट करना था लेकिन इसकी बैटरी डेड है और मुझे भी कुछ चीज़ें इसकी समझ नहीं आ रही। पहले मैं सोच रहा था यार इन्होंने ये सिर्फ केबल दे दी है और यहाँ पर भी ये डेड हो रहा है, तो अब मुझे मैं इसको चार्ज कहाँ से लगाऊंगा। फिर मैंने इसको यहाँ से ये देखा तो यहाँ पर ये देखिए ये बना हुआ इसका ये, तो इसके बीच डाल दूंगा, मतलब इसके बीच डालेंगे फिर जाके चार्ज होगा। अब इसके सॉरी हाँ फोटो मोड लग गया, अब इसको करते हैं हम चार्ज फिर इससे करेंगे शूट, आपको बताएंगे। और साथ में हम ये मेमोरी कार्ड जो मिला था ये भी इसके भी डालेंगे, फिर आगे बनाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। अब तो आपको सपोर्ट करना बनता है, आप जल्दी से जल्दी मेरे 6K करो, 6K के बाद सीधा 10K करो, 10K के बाद बस हम फिर खुद ही ग्रोथ हमारी होती रहेगी। सो गाइस अभी चल रहा था मैं सिटी मामा के साथ, लेकिन यार GoPro भी मैं चेक करने लगा, इसकी बैटरी अभी कम है तो मैंने सोचा इसको रहने देते हैं। अभी फिलहाल आईफोन से शूट करते हैं, आकर इसको बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, अभी चलते हैं सिटी। और अब मैं यार GoPro 4 लगाया था तो अब हम GoPro करेंगे। अब कहो कि यार जब का आया बस GoPro करें, क्योंकि यार मैंने इतने पैसे खर्चे तो मुझे पता तो चले इसमें है क्या। मैं इसमें एक कार्ड डालता हूँ क्योंकि कार्ड की बिना अब ऑन नहीं हो रहा, तो कार्ड डालते हैं फिर इसको चलाते हैं। अभी देख कितना गंदा हो गया। सो गाइज अभी फाइनली मैंने ये व्लॉग एडिट कर लिया और अब इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और मैंने इस व्लॉग का टाइटल तो दिया कि YouTube मनी से, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी YouTube मनी से नहीं है वो, तो आपको पता थोड़ा बहुत क्लिक बेट करना पड़ता है व्यूज़ के लिए, वरना ऐसा कैसे चलता है, वरना आप सब देखते नहीं। तो ये जो मैकबुक और GoPro है ये मैंने अपनी सेविंग से लिया, घर से मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने किसी से जिद नहीं की या घर वालों को फोर्स नहीं किया भाई मेरे को लेकर दो, तो ये मैंने अपनी सेविंग्स की, उसके बाद मैंने अपग्रेड किया क्योंकि अगर मैं घर वालों से लेता तो घर वाले भी इतने पैसे एक बार में नहीं देते हैं। तो बाकी अपनी सेविंग्स की तो तभी किसी ने मुझे मना भी नहीं किया। तो अभी फिलहाल हमारा सेटअप पूरा अपग्रेड हो चुका है, आने वाले टाइम में आपको मोटो व्लॉग भी दिखेगा। आज मैं सच बताऊँ तो मैंने मोटो व्लॉग बना लिया और ये देखो मेरे बालों के साथ देख रहे हो कैसे, इसलिए मैंने कैप लगाई ऑयलिंग करके। बाकी मोटो व्लॉग भी काफ़ी अमेजिंग होगा, आप सब ने देखना जरूर है, प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना। बाकी पूरा सेटअप हमने इंक्रीज कर दिया और देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट डबल कर दीजिए, 6K मेरे जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। 5800 हो गए, 200 रहते हैं, 6K हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ 31st से पहले मेरे 6K हो जाएँ। तो आप सब थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाएं और मेरे 6K करवा दें। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अमेजिंग से व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। 6K करवा देना यार।